परमवीर चक्र विजेता सीरीज के पांचवें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के पांचवें परमवीर चक्र विजेता लांस नायक करम सिंह की, जिन्होंने 1948 के भारत पाकिस्तान जंग में बुरी तरह घायल होने के बावजूद दुश्मन से लड़ते रहे और पाकिस्तानियों को 8 बार खदेड़ा। तो चलिए जानते हैं ऐसे परमवीर की शौर्य गाथा। लांस नायक करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को पंजाब के बरनाला जिले के सहना गाँव में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम उत्तम सिंह था और वो एक किसान थे। लांस नायक करम सिंह अपने मामा से बहुत प्रभावित थे, जो कि आर्मी में JCO थे, और अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लांस नायक करम सिंह ने भी आर्मी में जाने का फैसला किया। साल 1941 में करम सिंह सिख रेजिमेंट की 1ली बटालियन में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में लांस नायक करम सिंह बर्मा अभियान में शामिल थे। वहां पर एडमिन बॉक्स की लड़ाई में उन्होंने जापानी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया, जिसकी वजह से उनकी वीरता और साहस के लिए उन्हें मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1948 की गर्मियों में जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों ने संयुक्त रूप से टीथवाल सेक्टर में भीषण आक्रमण किया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया। तब कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन्हें वहां से पीछे खदेड़ दिया था, जिनकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी। लेकिन तिलमिलाए पाकिस्तान ने 2 महीने बाद फिर से टीथवाल पर कब्जा करने के लिए भारी तादाद में हमला किया। इस बार टीथवाल पर कब्जा करने के लिए उन्होंने टीथवाल के दक्षिण में रिचमार गली से घुसने का प्लान बनाया था। उस वक्त रिचमार गली में सिख रेजिमेंट की 1ली बटालियन के जवान तैनात थे, जिसका नेतृत्व लांस नायक करम सिंह कर रहे थे। दुश्मनों की तादाद हमारे जवानों से कहीं ज्यादा थी, फिर भी करम सिंह और उनकी टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना के जोरदार हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। लांस नायक करम सिंह ने एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे और पाकिस्तानियों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के 2 हमलों को नाकाम कर दिया था, लेकिन इन हमलों में उनके कुछ जवान शहीद हो गए थे और कुछ घायल हो गए थे। तब उन्होंने अपने एक सिपाही को कहा कि तुम सीनियर अफसर के पास जाओ और उनसे कहो कि हमें मदद के लिए और सिपाहियों की जरूरत है। तब उन्हें जवाब मिला कि वह मदद के लिए और सैनिक नहीं भेज सकते, और ऑर्डर मिला कि वह उस पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाए। ये खबर जब तक लांस नायक करम सिंह तक पहुंची, तब तक पाकिस्तानियों ने 2 बार और हमला कर दिया था। इसमें करम सिंह खुद भी घायल हो गए थे और अब उनकी पोस्ट पर सिर्फ वह खुद और उनके 2 घायल सिपाही बचे थे। तब उन्होंने ऑर्डर लाए जवान से कहा कि भले ही हमें पीछे हटने का ऑर्डर मिले है, लेकिन आज हम इस पोस्ट की रक्षा करते हुए जिन जवानों ने शहादत दी है उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए, हम इस पोस्ट से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन इस पोस्ट पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होने देंगे। इसी बीच पाकिस्तानियों ने 5वीं बार हमला कर दिया और इस बार पाकिस्तान के 2 सैनिक उनके पोस्ट के एकदम करीब आ गए थे। तब करम सिंह बाहर निकले और अपनी बंदूक के आगे लगे चाकू से उन दोनों को मार गिराया। यह देखकर पाकिस्तानी सैनिक हताश हो गए। इसके बाद भी पाकिस्तानियों ने लगातार 3 बार और हमला किया, लेकिन लांस नायक करम सिंह के साहस के आगे वो टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। लांस नायक करम सिंह की इसी बहादुरी की वजह से उन्होंने पाकिस्तान के 8 हमलों को नाकाम कर दिया और भारत की उस पोस्ट की सुरक्षा की। उनके इसी साहस और शौर्य भरे कार्य के लिए लांस नायक करम सिंह को साल 1950 में भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और लांस नायक करम सिंह को सूबेदार के पद पर प्रमोट किया गया। सेना में 21 साल और सेवा करने के बाद साल 1969 में लांस नायक करम सिंह सेना से रिटायर हो गए। 20 जनवरी 1993 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने सैन्य काल के दौरान जो कार्य किए थे उनकी वजह से वो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और परमवीर की कहानी के साथ। जय हिंद।